party? Hey, hey! Hi, hi! Hey, hey! Hi, hi! Hey, hey! पिछले आधे घंटे से हम गला फाड़ रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अपनी कुर्सी पे चिपके हुए एसी ऑन करके आराम से बैठी है। वही हालात आपने एसएचओ बनी के भी देख लिए, यही हालात आज आप एडमिनिस्ट्रेशन के भी देख रहे हैं। आम पब्लिक कड़ी धूप में जल रही है, मर रही है, बेइंसाफी फैल रही है, तानाशाही अपनी चरम सीमा पे पहुंची है, लेकिन अफसरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अफसरों ने जिस हिसाब से कानून का, संविधान का हनन और कत्ल करने लगाया हुआ है, ये आपको आज बनी में पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि एक एसएचओ सारा कुछ जानते हुए भी एक एफआईआर नहीं लगा रहा। वो क्यों नहीं लगा रहा, किसका प्रेशर है? एसएसपी से भी मिला जा रहा है, ऑल पार्टी डेलीगेशन हम कठुआ में मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी आप यहाँ पे देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में यहाँ पे कोई भी अफसर पब्लिक से मिलने नहीं आ रहा। अभी कोई अगर कोई दूसरा काम पड़ जाए तो अभी सारे के सारे अपने बिजी हो जाएंगे, सबको काम आ जाएगा, आम पब्लिक के लिए किसी के पास समय नहीं है। ये हालात जो है मौजूदा जो है, आज सरकार जो डबल इंजन की सरकार जिसकी क्लेम की जाती है कि यहाँ पे एलजी जो है वो भाजपा द्वारा बिठाया गया है, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है वो भाजपा द्वारा चल रही है, केंद्र शासित देश बना हुआ है, केंद्र शासित जो है वो राज्य बना हुआ है, लेकिन पब्लिक सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा। मुझे बहुत अफसोस कहना पड़ रहा है, यहाँ पे संविधान के सुप्रीम कोर्ट की 2013 जो कि अपना वहां पे एक कानून लागू हुआ था कि कोई भी लेडी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर कराती है तो पुलिस का पहला कर्तव्य है कि उस एफआईआर को रजिस्टर करे। लेकिन ये मैं नहीं बोलता, ये ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी की जजमेंट है, लेकिन ये बनी और वो भी जम्मू कश्मीर में बनी जैसे क्षेत्र में। इतनी हिम्मत है यहाँ पे कानून के पहरेदारों की कि वो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट चैलेंज कर चुके हैं। इन्होंने 2013 की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को चैलेंज किया हुआ है। ये चंद अफसरान ने मिलकर, चंद अफसरों की जो है जो इस टाइम जा चुके हैं सरकार में नहीं है, लेकिन भाजपा की ऊपर से प्रेशर जो है उसमें 2013 का हनन हुआ है। क्या अब मैं पूछता हूं, क्या कोई हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट या एडमिनिस्ट्रेशन इस पे संज्ञान लेगी? उस एसएचओ पे संज्ञान लिया जाएगा? क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या 2013 का जो कानून पास हुआ वो सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा था उसको पार करने की क्षमता शक्ति क्या बनी क्षेत्र के सभी अफसरान में है? अगर ये चीज नहीं है तो फिर पुलिस क्या कर रही है? क्या हर आम आदमी को 156(3) के तहत कोर्ट के थ्रू जाके पर्चा लगाना पड़ेगा? तो फिर सीआरपीसी कानून को बंद करना चाहिए। मैं ये डिमांड कहता हूं कि सीआरपीसी कानून जो जिसमें एसएचओ को मौजूदा पूरी ताकतें दे रखी हैं, उस कानून को बंद करो, क्योंकि रेजोल्यूशन चेंज हो रहा है, मोदी जी वहां पे सब कुछ चेंज कर रहे हैं, तो फिर सीआरपीसी भी चेंज किया जाना चाहिए। फिर सीआरपीसी का कोई फायदा नहीं है। फिर तहसीलदार की पावर्स भी खत्म होनी चाहिए कि वो जो एफआईआर है वो कैश कर सकते हैं। वो एसएचओ की पावर्स भी खत्म होनी चाहिए कि वो एफआईआर कैश कर सकते हैं। फिर एसएसपी की पावर्स खत्म होनी चाहिए। अगर हर एक को सिर्फ कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या फायदा? लोग पब्लिक हैं, अभी आपने देखा कि कितने लोग यहाँ पे हैं और हजारों की तादाद में जो है वो इंसाफ की डिमांड कर रहे हैं। इंसाफ को रोज दरवाजा खटखटाया जा रहा है कि एक दिन इंसाफ मिलेगा। वो कहां गया जिसपे ये बोला गया कि एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मैं कहता हूं इन अफसरान ने जिन्होंने भी जो डिग्रियां हासिल की हैं, मुझे उसका मतलब समझा कि एफआईआर का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द एफआईआर? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट? इफ एनी ऑफिसर इज नॉट गोइंग टू रजिस्टर द एफआईआर, नॉट गोइंग टू रजिस्टर द फर्स्ट इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द एनी ऑफ द पिटिशनर, देन ऑफिसर इज सिटिंग ऑन द चेयर एंड जस्ट राउंडिंग द चेयर, जस्ट प्लेइंग विद द चेयर, जस्ट प्लेइंग विद द लॉ, देन ही शुड बी सस्पेंडेड विद द इमीडिएट इफेक्ट। व्हाट इज अवर एलजी डूइंग? एलजी का क्या मतलब है? एलजी का मतलब था कि केंद्र शासित को मजबूत बनाना, केंद्र के कानूनों को मजबूत बनाना। यहां तो सुप्रीम कोर्ट के लॉ का भी कोई माना नहीं जा रहा, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को रोंदा जा रहा है, पैरों तले कुचला जा रहा है। तो फिर मुझे बताइए कि क्या एक एसएचओ, तहसीलदार, एसडीएम, डीसी या एसएसपी में इतनी पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के लिए बिल्कुल कोई माना नहीं है। किस वजह से जो है वो कह रहे हैं एफआईआर नहीं लगाएंगे?
एफआईआर लगाए। अगर वो कहते हैं जी हम तफ्तीश जारी है तो एफआईआर तब भी लगानी है। एक लेडी, ये कानून कहता है कि अगर लेडी कोई कहती है कि भाई मेरी इंफॉर्मेशन रजिस्टर की जाए, आप बताओ कि किस तहत आप कह रहे हैं हम इंफॉर्मेशन आपकी नहीं लेंगे, हम तफ्तीश कर रहे हैं। आपने तफ्तीश जो होती है वह एफआईआर के बाद की जाती है, ना कि एफआईआर से पहले की जाती है। यहां तो कानून उल्टी गंगा बह रही है। यहां पे तो गंगा भी जो है वो उत्तरांचल से ना चल के यहां पे तो बीजेपी के परमिशन से जो है वो दुर्गा जी बहेंगे। क्यों? क्योंकि कानून जो है रिवर्स कर दिया गया है। जहां जहां भाजपा के जो भी कार्यकर्ता हैं वो बेइंसाफी का झंडा लहराएंगे, जो आम जनता को कुचलेंगे, वहां वहां कानून बदल दिया जाएगा। जहां जहां अगर यही चीज कहीं भाजपा के किसी कार्यकर्ता को के साथ हुई होती तो अभी तक देखता स्मृति ईरानी भी आ गई होती। यहाँ पे पूरा का पूरा कानून की किताबें खोल दी गई होती, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर तक कंसल्ट हो गए होते। यहाँ तो आम आदमी है, ये आम आप ही की बेटी है, इसी बनी की बेटी है, इसके साथ आपकी आंखें क्या कर रही थी उस टाइम, आप क्या कर रहे थे, आप बताइए। आप बतौर एडमिनिस्ट्रेशन, बतौर सब इंस्पेक्टर वहां पे चल रहा था तो आपने उसी टाइम उसको अंदर क्यों नहीं डाला? आपका सिटिंग एक्स एमएलए साथ चल रहा है और वो आंखें मूंद रहा है, क्या मजाक चल रहा है, क्या आंखें फट गई हैं? आज कह रहे हैं जी हमारे पास, हमें कुछ देखा नहीं, आप अंधे थे उस टाइम। अगर आप अंधे हो फिर आप किस बात को कहते हो हम लीडर हैं, हम लोगों को, हम प्रशासन को चलाएंगे, हम प्रशासन अपने हिसाब से चलाएंगे। और अफसोस इस बात का है कि प्रशासन भी आज उन्हीं के इशारे पे काम कर रहा है। आज क्या जरूरत पड़ गई कि हमें सबको बसोली बनी कठुआ उठ के आना पड़ा और यहाँ पे आके आपके दफ्तरों के आगे नारेबाजी करनी पड़ी? क्या कारण है? कारण यही है कि आपका दिया हुआ कानून जो है वो जजिया कानून बन चुका है। आपका लगाया हुआ जो इंसाफ है वो कुचला जा चुका है। आपके द्वारा औरतों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये अभी हम रिटर्न लाए हैं, रिटर्न भी दिया जाएगा, लेकिन अगर ये आंदोलन को आपने सीरियस नहीं लिया, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आपकी किताबें अगर आपको नहीं पढ़ने आती तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ।